السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. हमारे बचपन से हमने एक बात सुनी कि दुआएं लेनी हैं, बद दुआओं से बचना है। मुआशरे में ये बात सुनी, बड़ों से भी सुनी, कुरान और हदीस में भी यही बात सुनी कि दुआएं लेनी हैं, बद दुआओं से बचना है, कि बद दुआएं बंदे को खा जाती हैं, नस्लों को खा जाती हैं, वीरानी, बर्बादी, परेशानी, मुश्किलात और मसाइल का जरिया बनती हैं। बद्दुआ बंदों की बद्दुआ से बचना है, जानवरों की बद्दुआ से बचना है। लेकिन एक ऐसी बद्दुआ है जिसका अक्सर ख्याल नहीं रहता, और वह है रमजान की बद्दुआ। रमजान की बद्दुआ बहुत ताकतवर बद्दुआ है, और रमजान की दुआ बहुत ताकतवर दुआ है। रमजान की बददुआ से कैसे बचे? फरमाया, रमजान सफारशी भी है और रमजान शिकायती भी है। रमजान छुड़वाएगा भी सही, रमजान पकड़वाएगा भी सही। अल्लाह के यहां रमजान जाएगा कि या अल्लाह, इस बंदे ने मेरा कोई अदब नहीं किया, कोई एहतराम नहीं किया, मैं आया, मैं चला गया, न इसे आने की खबर नहीं से जाने की खबर। अल्लाह, रमजान में जिन चीजों से तूने मना किया था, ममनुआत, उनसे ये मना नहीं हुआ था, ये अपने मन से चला, या अपने मिजाज से चला, या अपने जौक से चला, या अपनी तबीयत से चला। या अल्लाह, मुझे इस बंदे से हक दिला दे, और उस बंदे को पकड़ा जाएगा। खुजू फहुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, कुरान कहते हैं पकड़ा जाएगा उसको। क्या जो रमजान के 20 रोजे गुजरे, ये सफारशी या शिकायती, या रोज सिर्फ हम गिनते चले जा रहे कि इतने रोजे गुजर गए, बाकी इतने रह गए, या तोल तोल के हम रोजा रख रहे, तोल तोल के, और तोल तोल के हम रमजान को गुजार रहे, और तोल तोल के हम लम्हात को गुजार रहे, तोल तोल के। हमें तोलना है, पल पल को तोलना है, लम्हे लम्हे को तोलना है, एक एक कदम को तोलना है। एक एक रोजे की सेहरी को तोलना है, एक एक इफ्तारी को तोलना है। इस रमजान के साथ हमारे लिए उसकी सफारिश के वादे, जन्नत के वादे, उसकी अता के वादे, उसकी रजा के वादे, उसके फजलो करम के वादे, और जो मिल रहा उसके फजलो करम से है, उसकी अता शफकत से है। और फिर इस रमजान में वादे हैं कि तुम्हारी नस्लों से फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्ती हम दूर कर देंगे। इस रमजान के साथ वादे हैं कि तुम्हारी नस्लों से हम नाकामियां खत्म करके आबादियां और बरकतें शामिल करेंगे। जिस रमजान के साथ इतने मामलात और इतनी वसी जिंदगी है, सोचें उस रमजान को हम कितनी एहतियात से गुजारने हैं और उसके साथ कितनी एहतियात से रहना है। एक सफर में मेरे साथ एक साहब थे और उनके साथ उनके एक दोस्त थे। मैं कोई बात करता था ना तो मेरा हाथ दबा देते थे, फिर कोई बात की फिर इशारा कर दिया। हम एक गाड़ी में बैठे थे, घंटे डेढ़ का सफर था, ज्यादा नहीं था। जब मैं उतरा तो बहाने से मुझे ले गए, कहने लगे ये जाके मेरे बॉस को शिकायत करेंगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। हालांकि बात कोई गलत नहीं थी, लायानी नहीं थी,
लेकिन उसके अंदर इतना खौफ था, और वो कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि किसी की जात के लिए नुकसानदेह हो, उसके अंदर एक खौफ था कि जाके उनको बता देगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात तो नहीं थी। कह रहे आपकी बात ऐसी नहीं थी, लेकिन वो उसको ऐसा बना लेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा था जरा एहतियात से बात करें। मुझे कहने लगा कि ऐसा ना मेरी शिकायत ना हो जाए, और शिकायत हो गई नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, रोटी रोजी लगी है ये खत्म हो जाएगी। हमें अपनी जिंदगी के कितने मामलात ऐसे हैं जिसमें मुसलसल हम एहतियात से चलते हैं, और एहतियात अपनी जिंदगी का लाजिम जो समझते हैं, गुफ्तगू में एहतियात, चाल में एहतियात, इशारों में एहतियात, दस्तरखान पे एहतियात, किसी मुलाकात में एहतियात, ठहर के बाद, सोच के बाद, बना के बाद, रमज़ान साल के बाद आता है और हमारी सारी ज़िंदगी का अक्स लेने आता है। हमारे एक एक रोज़े का, एक एक दिन का, एक एक सुबह का, एक एक शाम का प्रिंट लेने आता है, और इसके पास सारा प्रिंट मौजूद है, और ये अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह पाक बुलाएंगे, इधर आ रमज़ान, बता तारिक का डाटा, बता तारिक ने रोज़ा रखा कैसे, फिर सारा दिन रोज़े में रहा कैसे, फिर रोज़े के दौरान उसकी आँख कैसी चली, उसके कान कैसे खुले, उसकी ज़ुबान कैसे बोली, उसके जज्बे कैसे चले, उसके कदम कहाँ उठे, ये सारी चीज़ें, सारी चीज़ें वो परखे जाएंगी, और एक एक रमज़ान बताएगा। ना रमज़ान झूठ बोलेगा, ना रमज़ान मुबालगा करेगा, ना रमज़ान ज़्यादा बताएगा, ना रमज़ान कम बताएगा। रमज़ान तो एक एक खुली खुली बात और वाज़े बात एक एक चीज़ बताएगा कि ये बात यूं है और ये बात यूं है। बस ऐसे बताएगा, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे। हमें इसका खौफ क्यों नहीं लगा कि कहीं रमज़ान जाके हमारी शिकायत ना कर दे। कुरान शिकायत करेगा। कुरान की सूरत तबारक अल्लज़ी के बारे में है कि कुरान में खुद हदीस में आता है कि झगड़ालू सूरत है, अल्लाह से झगड़ा करेगी, या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था ये जहन्नम में ना जाए, या फिर मुझे अपने कुरान से निकाल दे या इसको बख्श दे। ये लफ्ज़ हैं, ये अल्फाज हैं, आका का फरमान है, या अल्लाह या मुझे अपने कुरान से निकाल दे या फिर इसको बख्श। कुरान की एक सूरत झगड़ा करेगी। हम सोचें और बहुत संजीदगी से सोचें, और सोचें और बहुत गहराई से सोचें। हम कुरान पाक का तो ख्याल और रमज़ान का कितना ख्याल रखते हैं, और रमज़ान के लम्हात का कितना ख्याल और कितनी एहतियात, और कितना ज़्यादा इस पे हमारे जहन पे ये चीज़, इस पे क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान के ये लम्हात और ये घड़ियाँ हमारे लिए शिकायतों का एक पूरा दफ्तर बन जाए। वहाँ एक एक गवाही काम आएगी। हदीस में आता है एक बंदा होगा, उसके पास नेकी एक होगी और नेकी होगी नहीं, एक नेकी होगी, एक नेकी होगी। और वो कहेगा मेरे एक नेकी से क्या होगा, और एक शख्स ऐसा होगा जिसको एक नेकी की जरूरत होगी, और ये बंदा उसको एक नेकी दे देगा और उसका काम बन जाएगा, और इसकी बरकत से अल्लाह दोनों की मगफरत कर देंगे। वह तो एक एक नेकी की जरूरत होगी, एक एक जर मिसकाल जर्रतिन खैरिन यरा, मिसकाल जर्रतिन शर्रिन यरा, जर्रा रेत को उठाए ना, रेत का छोटा सा ऐसा जर्रा जो उस उंगली पे ऐसे आ जाए, ऐसे छोटा सा जर्रा,
उस छोटे से सर्रे से निजाम आलम में हलचल मच जाती है। एक वोट से हार जीत हो जाती है। वोट सिफारिश तो है और क्या है, मैं सिफारिश कर रहा हूं, ये आहल है, वोट दे दिया। एक खाद की बोरी से जमीन की फसल ऊपर नीचे हो जाती है। एक स्प्रे से जो हम फसलों पे करते हैं उसकी कमी बेशी से फसल की एवरेज, फसल का आमदनी में कमी बेशी हो जाती है। हाँ हाँ, हकीकत। एक पांव ऊपर हो एक पांव नीचे हो, आप उसको एक घंटा खड़ा कर दें, उसकी हालत देखें। मैंने उस दिन अपने आबाई मस्जिद में तरावी पढ़ी, जहां मेरे दादा परदादा परदादा के परदादा, वहां मैंने तरावियां पढ़ी। बेटों को ले गया, बेटो यहां सजदे दो, उन औलिया के सजदे यहां मौजूद हैं। वहां मैं एक, उन्होंने मेरे लिए जाय नमाज भाग के बिछाई, और जाय नमाजें बिछी हुई थी दरियां। एक दरी पे खड़ा हुआ, वो दरी बिछी हुई थी सफ पे, और दरी का कितना मोटा कुछ, यानी छोटा, एक सूत्र कहूं, एक क्या कहूं मैं, मिलीमीटर कहूं, कदम ऊपर नीचे थे। मैं ज्यादा देर ना ठहर सका, रकात के लिए खड़ा होना था, तिलावत होनी थी, एक रकू दो रकू की, आखिर मुझे जगह बदलनी पड़ी। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी पर असर करती हैं कि क्यामत के दिन, इतने बड़े रमजान की, जिस रमजान में कुरान उतरा है, जिस रमजान में कायनात का निज़ाम है, और जिस रमजान के अंदर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत और अनोखा निज़ाम है रमजान का, वो हमारे लिए शिकायती बन जाए और सिफारशी ना बने। वो हमारे लिए शिकायती बन जाए और सिफारशी ना बने। सोचे तो सही, हम सोचे तो सही कि हम इस रमजान के साथ क्या रवैया, मेहमान है तो मेहमान जाके क्या शिकायत करेगा। फरमाया, मेहमान की कदर कर लो, बार बार आएगा, बेकदरी करो नहीं आएगा। रमजान मेहमान है, बार बार आएगा पर मेरे पास नहीं आएगा, फिर आएगा पर मेरे पास नहीं आएगा। अगर मैंने इसकी कदर ना की तो खुदा ना खास्ता आने वाला रमजान या मेरी जिंदगी ना हो, या हो तो कोई माजूरी या मजबूरी कि रमजान तो आए पर मेरे पास ना आए। तो रमजान के लम्हात को हमने सफारशी बनाना है। बद्दुआ देने वाले जिब्रील हों, आमीन कहने वाले रसूल अमीन हों, तो कोई कबूलियत में कोई शक हो सकता है कि अल्लाह के हबीब ने अपने मिंबर के पहले कदम पे अपना पांव मुबारक रखा और फरमाया आमीन, मिंबर के दूसरे कदम पे अपना कदम रखा तो फरमाया आमीन, और तीसरे कदम पे तो फरमाया आमीन आमीन। तो या रसूलल्लाह, ये क्या था? फरमाया जिब्रील बद्दुआ रहे थे, बर्बाद हो वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम आए और वो दुरूद ना पड़े, और मैंने कहा आमीन। और वालिदैन को पाए बर्बाद हो दूसरी, बर्बाद हो वो शख्स और उनकी खिदमत न करे तो फरमाया आका ने आमीन, और बर्बाद हो वो शख्स कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफरत ना करवाए आमीन। जिस रमजान के लिए मुसलसल हमें एहतियात से चलना है और पल पल को एहतियात से लेना है और लम्हे लम्हे को एहतियात से लेना है, उस रमजान की सारी जिंदगी की कैफियतों का कहना क्या है कि रमजान में हमें कितनी एहतियात और रमजान में लम्हात कितनी एहतियात के गुजारने चाहिए हैं और गुजार रहे हैं और हमें गुजारने थे उस रमजान में, उसके पल पल को हमने कितनी एहतियात से गुजारना है और उसके लम्हे लम्हे को हमने कितनी एहतियात से गुजारना है।
उसकी सुबह, उसकी शाम, उस रमज़ान की नमाज, उस रमज़ान की तस्बीह, उस रमज़ान के सजदे, उसकी सेहरी, उसकी इफ्तारी, कई वाकयात हैं। बाद अज़ विसाल, मौत के बाद कई लोगों से पूछा गया, बाद अज़ विसाल, मौत के बाद कई लोगों से पूछा गया कि आपके साथ क्या बना, क्या मामला किया अल्लाह ने। कई लोगों ने कहा फलां पकड़ में हूँ, कई से कहा फलां अमल की वजह से बख्शिश हुई, कईयों ने कहा फलां की दुआ की वजह से, फलां सदका, फलां नमाज, फलां तस्बीह, किसी बेज़बान की दुआ, और कई ऐसे मिले। वाकयात में ये बात मौजूद है कि रमज़ान की पकड़ की वजह से हम पकड़े हुए हैं, रमज़ान हमारा शिकायती है, और मेरा अल्लाह कहता है जिसकी रमज़ान ने शिकायत की उसकी मेरे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हमें रमज़ान को सफारशी बनाना है, और रमज़ान तो आया ही सफारिश के लिए, रमज़ान तो आया ही हमारी बख्शिश के लिए, रमज़ान तो आया ही हमारे दर्जात को बुलंद करने के लिए, और रमज़ान तो आया ही हमारी ज़िंदगी में तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, उरूज, कमाल और खैरें और बरकतें पाने के लिए और देने के लिए। रमज़ान का पल पल और रमज़ान का लम्हा लम्हा आया ही इसलिए है। हमें रमज़ान को एहतियात से लेकर चलना है, और रमज़ान करीम है क्योंकि रब करीम, उसका हबीब करीम, और रमज़ान भी करीम है, इसकी थोड़ी सी खिदमत कर ले राजी फौरन हो जाता है। एक दरवेश थे, उनके बारे में यहाँ तक आता है, रोज़ दो नफिल तौबा के पढ़ते थे, अल्लाह इफ्तारी के बाद, सोने से पहले, तरावी के बाद नफिल पढ़ते थे, और कुछ बुज़ुर्गों के बारे में है कि एक तस्बीह नफिल नहीं पढ़ते थे, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करते थे, और कुछ बुज़ुर्गों के बारे में है कि सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, और ये बात कहते थे कि या अल्लाह इस रमज़ान की अगर मेरी ज़ात से कोई कोताही हुई, अल्लाह आज के रोज़े में मेरी नज़रों से, मेरे जज्बों से, मेरे कानों से, मेरे कदमों से, मेरे बोलों से, या अल्लाह कोई कोताही हुई तो या अल्लाह बस आज की आज माफ़ कर दे, आज की आज माफ़ कर दे। आज की आज माफ़ कर दे मौला, बस अपनी रहमत, अपना फ़ज़ल और अपना करम मुतवज्जे फरमा, हम तेरी आजमाइश को नहीं झील सकते, आजमाइश के काबिल नहीं है मौला, अदल के काबिल नहीं, बस तेरे फ़ज़ल के काबिल है। रमज़ान शिकायती बन के ना जाए, सफारशी बन के जाए, और ये चीज़ वो महसूस करेगा जो कॉन्शियस होगा। बाज लोग ना ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, बाज लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बाज लोग फूड कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस, हर वक्त अपने टेस्ट करवाना, ये दवाई खाना, अब मेरी ये गोली का वक्त है, अब मेरी ये गोली है, शुगर मेरी अब यूँ हो गई है, ब्लड प्रेशर अब यूँ हो गया है, मेरा अब ये निज़ाम यूँ हो गया, अब यूँ हो गया, एक एक चीज़ पे ख्याल करना, ओ एहतियात। यहाँ एक साहब थे, वो टेनिस खेलते थे, मैं छोटा छोटा था, तो मेरे एक दोस्त कहने लगे, वो शाहिद साहब फौत हो गए, मेजर शाहिद, कहने लगे हम 12 बहन भाई थे, मैंने सब्ज़ी ली जितने पैसों की, उतने पैसों के उसने एक या दो सेब लिए, चुन के उसने कहा मैं चुनूंगा जितने पैसे ले ले, क्यों, मैंने सेब वो लेने हैं जो मेरी सेहत के लिए मुफीद है, वो मैंने सेब खाना है। बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के बारे में हसास, समझदार, उसे कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस, बाज ब्यूटी कॉन्शियस, मेरे हाथ काले ना हो, मेरे नाखून कैसे बेहतरीन है, पाँव का ख्याल है, कोहनियाँ को क्या ख्याल है, चेहरे का क्या ख्याल है, बाल यूँ हैं, सर यूँ हैं। मुझे एक साहब कहने लगे मुझे बस एक ज़ौक है, वो है तौलिया, तौलिया लाजवाब हो,
एक साहब कहने लगे मुझे बस एक शौक है, खुशबू का स्प्रे बहुत ज़बरदस्त हो। एक साहब कहने लगे मुझे बस एक शौक है, ग्लासेस शीशे ऐनक लगाऊं आखिरी कंपनी के हो, मोबाइल का ब्रांड आखिरी दर्जे का हो। हाँ, अपनी जिंदगी के मामलात में कितने हसास हैं, कितने हसास हैं। मैं भाई के साथ बैठ के खाना खाता हूँ ना, वो यूं ढेर लगा देगा ऐसे ना, काला जो रोटी के ऊपर आएगा ना वो चुनेगा, ऐसे चुन चुन के ऐसे करते रहेगा। मुझे पता नहीं, मैं खाता रहूँगा, कच्ची पक्की फकीर हूँ, खाता रहूँगा। अच्छा, वो ऐसे टुकड़ा उठा के यूँ रख देगा, काला यूँ रख देगा। मेरे बेटे देखेंगे, साथ बैठे होंगे, बैठे देखेंगे, वो कहेंगे ना ये चीज़ खाने की नहीं होती, पेट में दर्द हो जाता है। वो कहते हैं बाबा को तो की नहीं हुआ करे, बाबा तेरे बाबा की और चीज़ है, तेरे बाबा और चीज़ है, कोई वो इंसान नहीं है, वो जिन है। मेरा बड़ा भाई कहता है उन्हें इन चीजों का, वो एक एक चीज ऐसे करते रहेंगे। हम जिंदगी के कितने मामलात में मोहतात हैं, मोहतात हैं। रमजान भी एहतियात कहते हैं, साल के बाद आया हूं, मेहमान हूं, मांग मांग के आया हूं, तरस तरस के आया हूं, पर ख्याल करना मुझे राजी करके भेजना, मुझे राजी करके भेजना, हर लिहाज से राजी करके भेजना। रिस्क के मामले में भी, सेहत के मामले में भी, मेरी इज्जत के मामले में भी, मेरी अजमत के मामले में भी, मेरे वकार के मामले में भी, मेरी शान और शौकत के मामले में भी मुझे राजी करके भेजना। यह रमज़ान की चाहत है, यह रमज़ान की पुकार है, यह रमज़ान की आवाज़ है, यह रमज़ान का सोज और साज है, यह रमज़ान का दर्द है, और ये रमज़ान की आमद का इंतज़ार है, और ये मोमिन का देना है कि मोमिन रमज़ान को क्या दे के भेजता है, रमज़ान उल मुबारक को क्या दे के भेजता है। बीस रोज़ आप पिछला हम बैठ के अपना ऑडिट करें, एहतसाब करें, हिसाब करें, अपने 20 रोज़ों को अपने तराजू में तोलें। हमारे रोज़ों को कोई ना तोले, और तोल ही कोई नहीं सकता, क्योंकि इबादत है आशकाना। मैंने दो घूंट पानी पी लिए, दुनिया के हर चीज़ खा ली, और मुंह को खुश्क बना के कहा मुझे मैं रोज़े से हूँ, सारे कहेंगे रोज़े से हैं, क्यों? ये मेरे और अल्लाह के दरमियान का मामला है, किसी को समझ नहीं आएगी, इसलिए आशकाना इबादत है, आशकाना इबादत है। तो जब आशकाना इबादत है, अपने इश्क को खुद तोलो, तराजू हो, हसास हो, और तराजू टाल वाला, लकड़ियों वाला ना हो, जिसमें दो चार किलो लकड़ी ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। मैं एक सुनार की दुकान पे था, जरगर की दुकान पे, उसका तराजू पड़ा था, ऊपर पंखा, उसने तोलना तो पंखे को बंद कर दिया। मैं क्यों? कि इसकी हवा का वजन होता है तो ऊपर नीचे हो जाता है, हवा तुल जाती है उसके वजन की वजह से, हवा को भी तोल लेता है, इतना हसास तराजू है। अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का तराजू हसास हो, एक एक दिन को परख परख के, एक एक दिन को तोल तोल के, और जब परख परख के और तोल तोल के देंगे तो फिर रमज़ान सफारशी बनेगा, और रमज़ान की सफारिश फिर सफारिश होगी। हमारे एक अफसर हैं, पुलिस अफसर, वो लाहौर में एक चूंग सेंटर है पुलिस की ट्रेनिंग का, बहुत बड़ा। तो मुझसे कहने लगे जी दुआ कीजिएगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक एक दिन बड़ा हसास होता है, और एक एक चीज़ परखी जाती है, और वो हमारी तरक्की में वही चीज़ें शुमार होती हैं। फिर मेरे पास वो साहब आए तो बड़े खुश थे, कहने लगे जी बहुत ज़्यादा मेरी ये देखें प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, मैंने एक एक दिन बहुत एहतियात से गुजारा, बहुत एहतियात से गुजारा, बहुत एहतियात से गुजारा, बहुत एहतियात से गुजारा, एक एक दिन। एक एक लम्हा, एक एक कदम, एक एक साथ,
मैंने बहुत एहतियात से गुजरा और उसकी तरक्की हो गई और उस तरक्की के बाद हमेशा के लिए मिट जाना है। रिटायर हो गया, रिटायर के बाद मौत है, मौत के बाद मिट जाना, तस्करी भी खत्म, तस्करी भी खत्म, निशान भी खत्म। लेकिन ये सच और हकीकत है, रमजान की खिदमत करने वाला, रमजान की सेवा, रमजान को राजी करने वाले के अल्लाह सदा तस्करे, सदा आवाजें, सदा सदाएं और सदा का रिस्क और सदा की बरकतें इसको, इसकी नस्लों को मिलती रहेंगी। सदा के तख्त, सदा के ताज, सदा की खैरें और सदा की राहतें इसके, इसकी नस्लों को मिलती रहेंगी जो रमज़ान को राज़ी करके भेजेगा। अब हम सोचें कि हमारा ये रमज़ान हमसे कैसे राज़ी होगा, इसको कैसे राज़ी करें। जब बंदा सोचों में लग जाता है तो फिर राहें खुद निकलती हैं, फिर रास्ते खुद निकलते हैं, फिर अंदाज खुद निकलते हैं, फिर खुद ब खुद सच्ची राहें, सच्चे रास्ते और सच्चे अंदाज फिर खुलते चले जाते हैं और इंसान तरक्कियां, कामयाबियां पाता चला जाता है और हैरत अंगेज कमालात इसको मिलते चले जाते हैं। ये उस वक्त जब इंसान पहले फैसला करता है कि मैंने रमज़ान को राज़ी करना है, बस मैंने रमज़ान को राज़ी करना है, फिर अल्लाह भी राज़ी, रमज़ान भी राज़ी और गैबी निज़ाम भी, और गैबी निज़ाम के साथ गैबी बरकतें भी और गैबी खैरें भी, ये सारी मिलती चली जाती हैं, मिलती चली जाती हैं। ये फैसला मैंने आपने करना है और इस फैसले पे अल्लाह से मनवाना भी है और अल्लाह के इस बारगाह में ये दरख्वास्त भी करनी है कि अल्लाह बस तेरी रहमत से होगा तो रमज़ान को हमसे राज़ी करके भेज दे। सोचें, करें और ज़रूर सोचें। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم بحرمة سيد الأبرار والمرسلين وصلى الله على النبي الكريم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين।